हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। माय नेम इज अवनीश कुमार। वेलकम टू ऑल टू ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर। मैं अवनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर में। जितने भी बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानपीठ इन डेप्थ लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काफी गहराई के साथ में एक नया सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बेटा हम यहाँ पे अच्छे से जो है करने वाले हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हमारा जो सब्जेक्ट है इसको हमें कैसे कवर करना चाहिए, जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं। तो यहाँ पे इन सभी बातों पे जो है हम गौर करेंगे, इसको किस तरीके से हमें कवर करना है और जिससे कि हम लोग एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे पाए आने वाले अपने एग्जामिनेशन में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बेटा, ऐसा है कि ज्योग्राफी को यूपीएससी के लिए पढ़ाने के लिए हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग पर्टिकुलरली एनडीए सीडीएस हो गया, और यहाँ पे जो हमारे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं, आरआईएमसी के जो बच्चे हैं, सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके हिसाब से हम इसे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलिए कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी यूपीएससी सिविल सर्विस के हिसाब से हम नहीं आपको पढ़ा रहे, यहाँ पे हम एनडीए सीडीएस तक, सीएपीएफ तक हम आपको जो है सीमित रख रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको हम एक चीज बता दें, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप चाहे जो एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस दे रहे हो, चाहे जो एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये हर जगह आपको जो है काम में आने वाली चीज है, आपको हर जगह बेनिफिट पहुंचाएगी। चाहे जो एग्जाम आप दे रहे हो, ज्योग्राफी जहां पे आती है वहां पे आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। इसलिए यहाँ पे डेडिकेशन से मेहनत के साथ पढ़े चाहे जो आपका एग्जाम हो। देखिए बेटा, ऐसे ज्योग्राफी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, विश्व भूगोल हो गया। तो यहां पे देखिए बेटा क्या है, इसी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी इसको हम लोग क्या कहें, इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज नाम से ही क्लियर है, भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। तो ये दूसरा सेगमेंट है। तीसरा सेगमेंट बेटा यहाँ पे है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, है ना, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये तीन सेगमेंट है। देखो ऐसा है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को काफी गहराई से कवर करने के लिए, इसको स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में कवर करने के लिए, मतलब एग्जामिनेशन के पहले हम इसको कवर कर पाए, जल्दी से इसको कवर करें, इसलिए स्टूडेंट हमसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये तीन पार्ट आपके सामने जो है वो इस समय ओपन है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी। आजकल ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनवायरमेंट यानी जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम यहाँ पे स्टार्ट करे दे रहे हैं, मतलब विश्व भूगोल हम यहाँ पे बढ़ेंगे, बाद में इंडियन और एनवायरमेंट इकोलॉजी को भी हम ऐसे कवर करने वाले हैं। तो देखिए ऐसा है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का बेटा सेगमेंट है ना, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए ऐसा है बच्चों, बहुत सी यूनिट्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ओशिनोलॉजी हो गया, यहीं पे जो है बायो ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, ऐसी बहुत सी यूनिट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे उस तरीके से कवर ना करके हम लोग एनडीए सीडीएस सीएपीएफ और यहीं पे जो है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इस हिसाब से इसको कवर करते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा जो है लेंथी बहुत डिटेल्ड ना लगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सी यूनिट्स हैं जिनको हमें कवर करना होता है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे क्लाइमेटोलॉजी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान, इसे कहते हैं जलवायु विज्ञान। इसी तरीके से और बहुत सी यूनिट है, जैसे ओशिनोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, और यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी है, बायो ज्योग्राफी है। तो बेटा ये सब्सिक्वेंट यूनिट्स हैं जिनको यहाँ कवर किया जाता है, लेकिन आज हम यही आपके यहाँ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे जियोमॉर्फोलॉजी है, ओसिनोलॉजी। अब इनके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं ये हम सब इसको लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में क्लाइमेटोलॉजी। आज की जो पहली यूनिट है वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा, क्लाइमेटोलॉजी मतलब यहाँ पे जलवायु विज्ञान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जलवायु विज्ञान। ये जो पहली यूनिट है
इसको काफी थॉरली गहराई के साथ में हम कवर करेंगे। आप आज के इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल मैनर में इसको कवर करने वाले हैं, चाहे जो एग्जाम आप दे रहे हो हर जगह आपको काम में आएगा और बेनिफिशियल होगा आपके लिए। देखिए बेटा, क्लाइमेटोलॉजी जो यूनिट है इसके अंदर बहुत से चैप्टर है, जैसे एटमोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बाद में इंसुलेशन एंड हीट बजट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर अर्थ है, तो बहुत से चैप्टर है, अप्रोक्सीमेटली इसमें 9 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर है हमारा एटमॉस्फेयर, जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वायुमंडल। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखो बेटा इसमें तो पहले हम लोग देखेंगे ओरिजिन, कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसका उद्गम कैसे हुआ। अब बहुत डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ऐसे हल्का हल्का देख लेंगे, क्योंकि उतने हमारे काम का है नहीं, हम एक लाइन में बस इसको खत्म कर देंगे। नंबर दो पे स्टूडेंट यहां पे क्या है, कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब हमें मिलता क्या क्या है, संगठन क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है, समझ रहे हैं। तो संगठन मतलब क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी चीजें मिलती है, ये हम देखने वाले हैं। और नंबर तीन पे स्टूडेंट हम लोग देखेंगे लेयर्स, हमने अपने एटमॉस्फेयर को बहुत सी लेयर्स में डिवाइड किया है, बहुत सी परतों में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, मतलब वायु के दबाव के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर हम अपने वायुमंडल को बहुत सी लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप लोगों ने ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर ये सब सुना होगा, है ना, इसी इन्हीं को हम लोग कहते हैं ना, हाँ, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी लेयर्स हम लोग पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन यहाँ पे जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे पहले तो हम इसका उद्गम देख लेते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर बना कैसे, किस प्रकार से हमारे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो एग्जिस्टेंस में आया, वो कैसे बना। तो अगर ओरिजिन की बात स्टूडेंट यहाँ पे करी जाए कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना, तो हम देखिए फिर से एक बार आपको बता दें जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं बहुत ही गहराई के साथ में, ज्योग्राफी में बेटा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, विश्व भूगोल को पढ़ रहे हैं, इसमें जो है हम आज एटमॉस्फेयर पढ़ने जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर कैसे बना इसको देखेंगे। देखिए ऐसा है, जो वायुमंडल है ना, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इसको हम कहते हैं वायुमंडल, वायुमंडल। तो ये कैसे बना, ठीक है ना। देखो शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी थी, जो हमारी अर्थ थी, इसका टेम्परेचर बहुत था ना शुरुआत में बेटा, जो अर्थ थी हमारी, अर्थ का जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर बहुत था, ये रहने लायक नहीं थी, आग का गोला थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से, आंतरिक गतिविधियों की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर हल्का सा कम हुआ, और इस हल्के से टेम्परेचर कम होने की वजह से बेटा क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर जो गैसें मिला करती थी, जो पृथ्वी के अंदर गैसें हुआ करती थी, वो सब बाहर निकल आई, बाहर निकल आई, और इस प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर बन गया। मतलब जो ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर है ये क्या है, ओरिजिन की अगर बात करें तो बेटा हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर फर्म, फर्म आफ्टर, आफ्टर वोल्केनिक प्रोसेस, वोल्केनिक प्रोसेस मतलब यह है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल, वायुमंडल का निर्माण, वायुमंडल का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, समझिएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। मतलब हमारा जो वायुमंडल बना है ये वोल्केनिक प्रोसेस से बना है, बस इतनी बात समझिए, और इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। पृथ्वी पे शुरुआत में क्या जीवन था, नहीं था। क्या शुरुआत में ऑक्सीजन थी पृथ्वी पे, नहीं थी। ऑक्सीजन और ये गैसें ये बहुत बाद में आई है, शुरुआत में बिल्कुल पृथ्वी हमारा आग का गोला थी, ये रहने लायक नहीं थी। बस इतनी बातें यहाँ पे समझिए, आप क्वेश्चन आप कैसा भी आए आई होप कि कर लेंगे, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस को आप यहाँ पे आंसर कर लेंगे, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नंबर दो पे बच्चों यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ते हैं, कंपोजिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमको मिलता क्या है, कंपोजिशन। ओरिजिन आप एटमॉस्फेयर समझ में आ गया तो कंपोजिशन समझ में, कि हमको हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता क्या है, तो कंपोजिशन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल का जो संगठन है वो क्या है, हमारे वायुमंडल में हमें क्या क्या मिलता है, वायुमंडल, वायुमंडल
का संगठन, मतलब हमारे वायुमंडल में जो मिलने वाली चीजें हैं उनको स्टूडेंट हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में हमको क्या मिलता है, देखो नंबर एक पे हमें सबसे ज्यादा गैसें मिलती हैं, गैसें, तो गैसें बेटा हमको सबसे ज्यादा हमें हमारे वायुमंडल में मिलती है। नंबर दो पे स्टूडेंट यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि हमको वाटर वेपर मिलता है, वाटर वेपर। और नंबर तीन पे बेटा हमको यहाँ पे जो है वो पार्टिकुलेट्स मिलते हैं, पार्टिकुलेट्स, समझे, पार्टिकुलेट्स मतलब हमको पार्टिकुलेट्स मिलते हैं, धूल कण मिलते हैं। तो वाटर वेपर का मतलब हो गया जलवाष्प, जलवाष्प, और यहां पे पार्टिकुलेट्स की अगर बात करी जाए तो धूल कण, धूल कण, है ना। तो ये चीजें हमको मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या क्या मिलता है, गैसें मिलती है, वाटर वेपर मिलता है, पार्टिकुलेट्स यानी धूल कण मिलते हैं, ठीक है ना। धूल कण ना कह के इनके कड़, इनको कड़ ही कहिए, है ना, क्योंकि कड़ों में एक धूल कण भी होता है, इसीलिए बेटा इनको केवल अगर कण कहा जाए तो ज्यादा सही होगा। इसको यहां कट कर दीजिए, पूरा कट कर दीजिए। चलो देखो यहां पे इनको कहा जाना चाहिए कड़, क्योंकि कड़ों में ही एक धूल कण होता है, समझ रहे हैं। तो ये तीन चीज हमको हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, अब इनको हम गहराई के साथ में यहां पढ़ लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे गैसों को, ये जो गैस है ना इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गैस कौन कौन सी गैसें एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, ये चीज तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो अब गैसें हेडिंग आप लोग डालिए और इनको पढ़ लेते हैं। देखो तो एटमॉस्फेयर में हमारे कौन कौन सी गैसें मिलती हैं, गैसेस, तो कौन कौन सी गैसें हमारी एटमॉस्फेयर में मिलती हैं इनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गहराई के साथ में। यहाँ पे पढ़ेंगे गैसें, लाइट यहाँ पे लग रही है, गैसें, ठीक है ना। तो गैसों को बेटा हम लोग पढ़ेंगे, वो गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है इनको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, क्या है हम आपसे कहना चाहेंगे, ये पाई चार्ट याद रखिए। देखो ऐसा है, ये पाई चार्ट हम चाह रहे हैं कि आप लोग याद रखें। देखो क्लियर है ना, ये एक सर्कल है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको चीजें दिक्कत ना करें। इसको ऐसे बनाओ नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। यस, देखिए बेटा ऐसा है कि ये सर्कल अगर हमारा एटमॉस्फेयर है, ये इंटायर सर्कल हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। तो आपको बताना चाहेंगे हमारे वायुमंडल का जो मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम है, मतलब आयतन हमारे वायुमंडल का सबसे ज्यादा जो है वो एक गैस के द्वारा कवर किया जाता है। और इस गैस का नाम क्या है, इस गैस का नाम है नाइट्रोजन। सही सोच रहे हैं आप लोग, आपने बिल्कुल सही सोचा, नाइट्रोजन बेटा इस गैस का नाम है। मतलब वो गैस जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमारे एटमॉस्फेयर को घेरती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वो गैस जो सबसे ज्यादा आयतन हमारे एटमॉस्फेयर को घेरती है। तो ये समझिए हमारा जो वायुमंडल है इसका सबसे ज्यादा आयतन घेरा जाता है नाइट्रोजन गैस के द्वारा। सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन। नंबर दो पे स्टूडेंट ये जो बड़ा सा सर्कल आप देख रहे हैं ये है 20.9% और ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन जो कि 20.9% हमको मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ये जो 1% है ना, इस 1% में अदर गैसें हमको मिलती हैं, अदर गैसें मिलती हैं, अदर गैसें हमको मिलती हैं, और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं, और स्टूडेंट यहीं पे वाटर वेपर मिलेगा, मतलब सारी गैसें इनर्ट, नोबेल गैसें भी मिलेंगी आपको, और भी गैसें मिलेंगी, और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, ये सभी चीजें इस 1% में मिलते हैं। मतलब ये है कि हमारा जो वायुमंडल है इसका बड़ा भाग जो है नाइट्रोजन के द्वारा कवर किया जाता है, नंबर दो पे ऑक्सीजन के द्वारा, फिर बाकी जो है डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट, बहुत सी चीजें हैं। तो ये समझिए गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलती, कितना मिलती है 78.1% वॉल्यूम के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 78.1%। नंबर दो पे बेटा ऑक्सीजन है, नंबर दो पे ऑक्सीजन है जो कि 20.9% वॉल्यूम हमारे एटमॉस्फेयर का कवर करती है। नंबर तीन पे स्टूडेंट हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, नंबर तीन पे बेटा यहाँ पे आर्गन है, आर्गन जो कि है यहाँ पे 0.93% बाय वॉल्यूम। नंबर चार पे बेटा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है और ये है 0.03%। तो ये समझे 0.03%, 00 नहीं है, 0.03%, इसको हटा दीजिए। देखो ऐसे समझिए ये है 0.03%,
तो ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। यहां पे समझिएगा, ये CO2 है, ये CO2, ये है आपका आर्गन। अब नंबर तीन पे देखिए बेटा, नंबर तीन हो गया, नंबर चार हो गया, नंबर पांच पे अगर यहां पे देखा जाए तो इसके बाद में कौन सी गैस है, इसके बाद में नियोन है, नियोन नियोन नियोन, ये नियोन है, समझ रहे ना, नियोन है। और इसके बाद में बेटा जो है वो हीलियम है, हीलियम हीलियम है, नियोन हीलियम मीथेन है, मीथेन मीथेन, और फिर बाद में क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन। अगर ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, लास्ट में बेटा यहां पे क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन। इनको सीरियल से याद रखना, क्योंकि ऐसे पूछा गया है, ऐसे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसलिए यहां पे याद रखिएगा। आई होप कि आपको यहां पे दिख रहा है नियॉन कितना है, ये नियॉन बेटा कितना है, इसको भी हम आपको दिखा देंगे। वैसे हाँ, जहां तक हमको याद आ रहा है, ये 0.0015% है। इसके बाद में जो हीलियम है स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो इसकी नंबर कितना, मात्रा, ये सीक्वेंस याद रखना। एक बार क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा है इस तरीके से, ऊपर की चार गैसें ना देके नीचे की चार गैसें उन्होंने दे दी, और फिर ये कहा कि इनमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी, तो ये सीक्वेंस याद रखना, इससे जो है आपको काफी ज्यादा सहूलियत होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको कर पाओगे। यहां देखिए, यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद में बेटा नियोन है, फिर हीलियम है, मीथान है, क्रिप्टॉन है। तो यहाँ पे इस तरीके से बेटा देख सकते हो, ये आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हो, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से बेटा यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। आपके सामने देखिए PPT पे साफ साफ दिया हुआ है। इसके बाद में स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी। अभी हमने देखा ये है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हम लोग सेपरेटली अच्छे से पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन 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 जो गैस है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस हिसाब से हमको इसको याद रखना चाहिए, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो हम इसको अच्छे से कर पाए। नाइट्रोजन आपको पहला तो पॉइंट इसमें स्टूडेंट यही है, दिस इज मोस्ट अबंडेंट गैस, मोस्ट अबंडेंट गैस, अबंडेंट गैस इन एटमोस्फियर, इन एटमोस्फियर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है हमारे वायुमंडल की, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है। कितना 78.1% वॉल्यूम घेरती है और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो भी लिख लीजिए, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ठीक है ना। नंबर दो पे स्टूडेंट आपको बताना चाहेंगे कि जो है दिस गैस कंट्रोल्स फायर, आग पर नियंत्रण स्थापित करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहां देख लीजिए, कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, यहां देख लीजिए, आग पर नियंत्रण पाने में, आग पर नियंत्रण नियंत्रण स्थापित करने में स्थापित करने में स्थापित करने में करने में सहायक है, सहायक है। तो आग पर नियंत्रण करने में बेटा ये सहायक है, ये बात यहां पे समझिए जानिए। तो आग पर नियंत्रण करने में ये बड़ा ही सहायक है, अगर ये गैस ना होती तो हम आग को नियंत्रित नहीं कर पाते, आग को हम काबू नहीं कर पाते, तो इसलिए नाइट्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका है, इंपॉर्टेंट रोल है। फिर और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दिस गैस इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 28 किलोमीटर, दिस गैस इज फाउंड इन अवर एटमोस्फियर, दिस गैस इज फाउंड इन अवर एटमोस्फियर अप टू द हाइट ऑफ 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक बेटा ये गैस हमको मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर। एक बार इस पॉइंट को चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पुराना डेटा दिमाग से आ रहा है तो इसको देख लीजिएगा, 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये गैस हमें मिलती है, ये बात याद रखिए। एटमॉस्फेयर में कितनी ऊंचाई तक, 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसके बाद में स्टूडेंट और क्या है, दिस इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, दिस गैस इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट
कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, ऑफ प्रोटीन, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, ये जो है प्रोटीन का मुख्य मुख्य अवयव है, प्रोटीन का मुख्य अवयव। प्रोटीन आप लोग जानते हैं, प्रोटीन प्रोटीन का मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव अवयव, ये मुख्य अवयव। मतलब स्टूडेंट ये है कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है ना, प्रोटीन टूटती ना अमीनो एसिड में, तो बेटा अमीनो एसिड जो है इसको बनाने में प्रोटीन का नाइट्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ना होता ना तो हमारे खाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोषक तत्व तो नहीं होता। इस पोषक तत्व का नाम क्या है, इस पोषक तत्व का नाम है प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, बॉडी को बनाने वाले न्यूट्रिएंट है, हमारे शरीर को बनाता है। तो ये पॉइंट स्टूडेंट याद रखिए, तो दिस गैस इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य अवयव है, अमीनो एसिड का मुख्य अवयव है, अमीनो एसिड को बनाने में इसकी बहुत ही प्रमुख भूमिका है, इंपॉर्टेंट भूमिका। तो ये पॉइंट स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। और आपको बता दें जो गैसियस नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, जो गैसियस नाइट्रोजन है, गैसियस नाइट्रोजन को बेटा जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको बदल दिया जाता है सोल्यूबल फॉर्म में। गैसियस नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में बेटा बदल दिया जाता है ना, जैसे कुछ बैक्टीरियास के द्वारा, जिसमें आप लोगों ने राइजोबियम का नाम सुना होगा। गैसियस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इंटू सोल्यूबल फॉर्म बाय बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। तो इससे बेटा जानते चलिए कि जो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया हैं, जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में मिलते हैं, तो ये गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते सोल्यूबल फॉर्म में। मतलब जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको जो है यहाँ पे घुलित अवस्था में इसको ला देते हैं, और उससे जो पेड़ पौधे हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नाइट्रोजन से प्रोटीन बन जाता है। तो ये पॉइंट समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज बायोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे, वैसे इतना कोई कठिन नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें हैं जिनको समझिए। तो नाइट्रोजन के बारे में इतनी बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी समझिए। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसको हम लोग देख पाते हैं, आभास कर पाते हैं, जो प्रकाश का परावर्तन है इसका जो आभास कर पाते हैं, ये नाइट्रोजन की वजह से। अगर नाइट्रोजन ना होता तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम देख नहीं पाते। तो ये भी याद रखिएगा, दिस इज यू नो हेल्प अस टू ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन का आभास कराती है। अगर ये गैस ना होती तो प्रकाश का परावर्तन हम नहीं समझ पाते, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको नहीं समझ पाते। तो ये इतने पॉइंट याद रखिएगा नाइट्रोजन में। इसके बाद में स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट गैस है ऑक्सीजन, है ना। तो हमने नाइट्रोजन में क्या क्या पढ़ा, नाइट्रोजन में ये पढ़ा बेटा ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमको मिलती है। और फिर इसके बाद में स्टूडेंट हमने देखा कि आग पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक है। मतलब आग पे हम नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं, जो फायर है इसको कंट्रोल कर पाते हैं नाइट्रोजन की वजह से। अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो हम आग को नियंत्रित नहीं कर पाते। फिर इसके बाद में स्टूडेंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमने ये देखा कि अगर नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में ना होता, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ना होता तो हमारे खाने में एक पोषक तत्व नहीं होता प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बनते ही एक्चुअली नाइट्रोजन से है, अमीनो एसिड जो है वो नाइट्रोजन से ही बनते। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। प्लस जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये हम देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये पॉइंट स्टूडेंट इतने याद रखिएगा, आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन। वो बच्चे जो कि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के हैं, आपसे कहना चाहिए बेटा इतने पॉइंट याद रखिए, आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद में देखिए क्या है, ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट गैस है वो है ऑक्सीजन, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले तो ये जानिए कि दिस इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो है पाई जाने वाली गैस है हमारे वायुमंडल में। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ क्लियर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसा सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नंबर दो पे स्टूडेंट है,
कि दिस इज कॉल्ड, दिस गैस इज कॉल्ड ब्रीद ऑफ लाइफ, ब्रीद ऑफ लाइफ, इसको हम कहते हैं ब्रीद ऑफ लाइफ, मतलब ये श्वसन क्रिया में भाग लेती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और ये जो है ब्रीद ऑफ लाइफ है, इसे प्राण वायु के तौर पे जानते हैं, प्राण वायु के, इसको प्राण वायु के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ के लिए उत्तरदायी है। अगर ये ना होती तो हम श्वसन क्रिया, जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो प्रॉपर नहीं होता, हम खाने से एनर्जी नहीं ले पाते और जीवन संभव नहीं होता। तो बेटा इसको हम प्राण वायु कहते हैं, बिकॉज ये फूड का ऑक्सीडेशन कराती है, ये फूड को जो है फूड से एनर्जी लेने में काफी ज्यादा सहायक है, इसके ऑप्शंस में हम एनर्जी ले पाते हैं, इसको प्राण वायु कहते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीवनदायी इसको कहते हैं हम लोग, प्राण वायु, या इसे जीवनदायी कहते हैं, जीवनदायी, जीवनदायी, जीवनदायी कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, नंबर तीन पे स्टूडेंट इसमें याद रखिएगा, दिस इज द गैस, ये जो गैस है, दिस गैस इज रिलीज बाय ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधों के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये पॉइंट भी काफी आसान है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इसको जो है रिलीज किया जाता है हरे पेड़ पौधों के द्वारा, ये बात लिख लेना, रिलीज्ड, रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बेटा जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसको रिलीज किया जाता है हरे पेड़ पौधों के द्वारा। और दूसरा है कि दिस गैस पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हरे पेड़ पौधों के द्वारा इसको विमुक्त किया जाता है। तो ये बात याद रखना, प्रकाश संश्लेषण लिखते क्या हिंदी में, देखिए प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इसको रिलीज किया जाता है हरे पेड़ पौधों के द्वारा। आगे देखिए स्टूडेंट क्या है, दिस गैस, दिस गैस पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, इन रेस्पिरेशन, दिस गैस पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये श्वसन क्रिया में भाग लेती है, यह गैस श्वसन क्रिया में भाग लेती है, समझिएगा, यह श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया में, क्रिया में भाग लेती है, श्वसन क्रिया में भाग लेती है, मतलब स्टूडेंट की जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें ये गैस भाग लेती है, श्वसन क्रिया में भाग लेती है। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, श्वसन क्रिया क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, तो यहां पे समझिए कि जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब जब गैस को हम अपने अंदर खींचते हैं, अपने नोस्टिल्स, अपने जो है नोस्टिल्स के माध्यम से, नोज के माध्यम से जो अंदर गैस को लेते हैं, इसी तरीके से स्टूडेंट जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब जब गैस को हम बाहर निकालते हैं, जब गैस को अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, तो यहां समझिएगा ऑक्सीजन जो है बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम कितना लेते हैं, ऑक्सीजन को बेटा हम यहां पे लेते हैं 20.9%, और यहीं पे अगर नाइट्रोजन को देखें तो कितना लेते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बेटा हम यहां पे लेते हैं 78.1%, और यहीं पे हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को देखें तो इसे कितना लेते हैं, 0.03%, ठीक है ना। जब हम अंदर लेते हैं गैस को, अंदर खींचते हैं, जब बेटा एक्सहेल करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी रह जाती है यहाँ पे 16 to 17%, ये कंज्यूम हो जाती है हमारे बॉडी में, यूज हो जाती है, ये इतनी ही बचती है, 16 से 17% ही बचती है। नाइट्रोजन की बात करें तो बेटा ये जितनी जाती है उतनी ही बाहर निकल आती है। कोई आपसे ये कहे कि क्या नाइट्रोजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में भाग लेती है, क्या श्वसन क्रिया में भाग लेती है, तो इसका जवाब है नहीं, जितनी जाती है उतनी बाहर हो जाती। CO2 देखिए बेटा 0.03% हमने अंदर लिया, और छोड़ते हैं तो ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 3
2-4%, मतलब इसका परसेंटेज बढ़ जाता है, इसको हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है और इस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आती है। तो ये पॉइंट समझिए, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, ये श्वसन क्रिया आपको समझ में आया होगा क्या है। तो इस तरीके से बेटा ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में भाग लेता है, नाइट्रोजन नहीं लेता, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ये बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ये समझिए बॉडी इसका प्रोडक्शन करता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद में स्टूडेंट जो नेक्स्ट गैस है इसको भी हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ है तो। इसके बाद की जो नेक्स्ट गैस है इसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक हमको मिलती है, एक पॉइंट बेटा ऑक्सीजन में और लिख लो, ये कितनी ऊंचाई तक मिलती है, ये ऑक्सीजन हमको मिलती है 16 किलोमीटर। समझिएगा, ऑक्सीजन बेटा जो है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, ऑक्सीजन इज फाउंड अब टू, देखो एक अच्छी क्वांटिटी में बेटा ये मिलती है हमको 16 किलोमीटर, अदरवाइज ये हमको 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, याद रखिए। ऑक्सीजन इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमको मिलती है, बट इन गुड क्वांटिटी, व्हाट इन गुड अमाउंट, एक गुड अमाउंट की अगर बात करें, एक अच्छे मात्रा की बात करें, बट इन गुड अमाउंट दिस इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 16 किलोमीटर, व्हाट इन गुड अमाउंट अप टू 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये अच्छी मात्रा में मिलती है। तो ये पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे जानते चलिए, समझते चलिए। इसके बाद में और इम्पोर्टेंट क्या है, अब हम जो है नेक्स्ट गैस पढ़ लेते हैं। तो हमने ऑक्सीजन के बारे में क्या क्या पढ़ा, ये जीवन देने के लिए उत्तरदायी है, अगर ये ना होती तो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होती, श्वसन क्रिया नहीं होती और जीवन पॉसिबल नहीं था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, कितनी ऊंचाई तक मिलती है, पॉइंट अभी कवर किया, 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, लेकिन अच्छी मात्रा में केवल हमको 16 किलोमीटर तक ही मिलती है। फिर दूसरी बात हमने देखी कि ये बहुत ही ये ग्रीन प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान इसको रिलीज किया जाता है। और फिर हमने जो है और बहुत से पॉइंट इसमें देखे, एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा, दिस पार्टिसिपेट इन कंबस्टन प्रोसेस, ये जो है दहन क्रिया में भाग लेती है, ये पॉइंट भी लिख लीजिए, ये पॉइंट भी यहाँ पे ऑक्सीजन में लिख लीजिए कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबस्टन प्रोसेस, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबस्टन प्रोसेस। ये पॉइंट में याद रखिएगा, मतलब बेटा जो दहन क्रिया को स्टार्ट करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब चीजों को आप जला नहीं पाते अगर ऑक्सीजन नहीं होती, चीजों को आप जला ही नहीं पाते, इसीलिए बेटा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चीजें जलती हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये चीजें आपको क्लियर, अगर ऑक्सीजन ना होता तो आप चीजों को जला ही नहीं पाते, ठीक है ना। नंबर दो पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट इतने हो गए ऑक्सीजन के बारे में, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में देखिए क्या है, इसके बाद में जो नेक्स्ट गैस है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को पढ़ते हैं, CO2 को हम लोग पढ़ते हैं। तो CO2 को काफी गहराई में हम लोग पढ़ते हैं, CO2 में काफी ज्यादा पॉइंट भी हैं, तो CO2 के बारे में स्टूडेंट हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। देखो ये गैस जो है ना, दिस इज हैवीएस्ट गैस इन अवर एटमॉस्फेयर, दिस इज हैवीएस्ट गैस इन एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है, ये सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है, ये समझिए। नंबर दो पे स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट बात है आपको बताना चाहेंगे, दिस इज हाईली
दिस इज हाईली एक्टिव ग्रीन हाउस गैस। ये सबसे सक्रिय ग्रीन हाउस गैस है, ये पॉइंट यहां पे जानते चलिए, सबसे सक्रिय ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है बेटा? ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो पृथ्वी से आने वाले टेम्परेचर को, मतलब पृथ्वी सूर्य से आने वाला जो तापमान है, जो ऊर्जा है, ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को आने तो देती हैं, लेकिन पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर जो रिफ्लेक्शन, जो इंसुलेशन है वो बाहर जो जाता है उसको नहीं जाने देती। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। ग्रीन हाउस गैसेस दे आर ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती है, बट दे आर ओपेक फॉर आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पृथ्वी से टकरा के जो इंसुलेशन है, जो वापस जाता है, उसको ये नहीं जाने देती है। इस प्रकार ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, समझिएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये समझिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीमेंट टेम्परेचर ऑफ अवर अर्थ, ये पॉइंट समझिए। आगे स्टूडेंट इसमें देखिए क्या है, ये जो गैस है ये सबसे भारी गैस है, लेकिन फिर भी हमको 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। दिस कैन बी फाउंड अप टू द हाइट ऑफ दिस गैस कैन बी फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर तो बेटा ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमको ये मिलती है, ये बात समझिए। और सबसे भारी ये ग्रीन हाउस गैस है। और दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि हमारे बॉडी में ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, कितना ये वॉल्यूम कितना कवर करती है ये गैस जो है। दिस कवर्स 0.03% वॉल्यूम ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो चीजों को भी हमें देखना है, समझना है। ग्रीन हाउस गैस पॉइंट आपको समझ में आ गया, सबसे भारी ग्रीन हाउस गैस के लिए बेटा ये जिम्मेदार है। अच्छा, एक क्वेटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, क्वेटो प्रोटोकॉल बेटा साइन किया गया था इसके नंबर को, इसके मात्रा को कम करने के लिए। क्वेटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको साइन किया गया था जापान के क्वेटो में 1997 में। क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 इसको साइन किया गया था, है ना, टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ CO2 इन अवर एटमॉस्फेयर। क्वेटो प्रोटोकॉल वाज साइन टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ CO2 के लेवल को बेटा कम करने के लिए इसको साइन किया गया था जापान के क्वेटो में। तो इतनी बातें याद रखिएगा। और आगे जो है, इस समय जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये CO2 जैसी गैसों की वजह से हो रहा है। दुनिया भर में इसकी मात्रा को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पे जानते चलिए, बहुत लंबा लेक्चर ना हो इसलिए स्टूडेंट हमने इसको यहाँ पे जो है ये हमने गैसें पढ़ के, आगे हम लोग यहाँ पे और गैसेस को पढ़ेंगे, इसमें ओजोन को पढ़ेंगे और आने वाले और भी गैसों को पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। और आज के हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, हमने स्टूडेंट जो है कंपोजिशन देखा, कौन कौन सी गैसें मिलती हैं, और इसमें हमने जो है जैसे नाइट्रोजन को देखा, ऑक्सीजन को देखा, और यहीं पे आर्गन को देखा, कार्बन डाइऑक्साइड को देखा, और फिर नियॉन को देखा, हीलियम को देखा, मीथोन को, क्रिप्टन को। अब देखिए बेटा, आर्गन है, नियॉन है, जीरोन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है ना, ये वो इनर्ट गैसें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है।
ये पॉइंट याद रखिएगा। सीक्वेंस भी देखा, कौन सी गैसें किस अमाउंट में किस मात्रा में मिलती हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, ये सभी चीजें काफी गहराई के साथ में हमने आपको बताई। आगे फर्दर जानकारी के लिए बेटा यहाँ पे इंक्वायरी नंबर है, ये जानते चलिए। ये हमारा जो इंक्वायरी नंबर है ये है 9273701303। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, 9473701303। इसको डायल करके फर्दर जानकारी ले सकते हैं। और फर्दर अपकमिंग बैचेस के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। जो प्रतिज्ञा बैच है बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बैच है और यहाँ पे स्टूडेंट काफी फीस कम रखा गया है, तो बिल्कुल प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। बाकी किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन हो तो इस नंबर को डायल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सभी के सभी बच्चे जो देख रहे हैं जो बाद में देखेंगे तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज पार्ट टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।